दिल्ली स्थित हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में हज़ारों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ऐसे में निज़ामुद्दीन दरगाह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। असल मामला चंदे में घपले का है, जिसको लेकर काफ़ी वक्त से शिकायतें आ रही थी। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दरगाह प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का फैसला किया है। एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने नई समिति बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों से आवेदन मांगा है, जो मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखेंगी और जनकल्याण में इनका इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगी। खबरों के मुताबिक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि जल्द ही हम समिति बनाएंगे जो दरगाह की उपयुक्त देखभाल सुनिश्चित करेगी और वहां मिलने वाले नजराना यानी चंदे का लेखा जोखा रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह में मिलने वाले चंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो वक्फ की संपत्ति है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में कई मज़ार हैं, जिनमें सूफी संत और उनके शिष्य अमीर खुसरो का मज़ार भी शामिल है, जहाँ काफ़ी संख्या में ज़ायरीन आते हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।